डॉक्टर साहब, बच तो जाऊंगा ना। ओह नो, ये तो बहुत गंदा है। नर्स, इन्हें फौरन आईसीयू में शिफ्ट करें। कुछ महसूस हो रहा है? पांव की उंगली हिला के देखें। कुछ महसूस नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, नहीं हिल रही उंगली। ये वैसे तुमने किया क्या था? तुम बर्फ में चले गए थे? नहीं डॉक्टर साहब, बर्फ में तो नहीं गया था, मगर रात को ना पांव कंबल से बाहर रह गए थे। ओए, तुम्हारे अंदर से ये भू क्यों आ रही है? तुम नहाते नहीं हो क्या? यार क्या बताऊं, सर्दियों में सुबह उठो इतनी ठंड होता है और ऊपर से गैस भी नहीं आता, फिर हम नहाए किस पानी से? पानी कहाँ से गर्म करें हम? यार तुम लोगों के घर पानी भी आता है? अपने सारे पैसे निकालो। हाँ, अगर मैं पैसे ना निकालो तो तुम क्या कर लोगे? बंदूक तो है नहीं तुम्हारे पास? बंदूक तो नहीं है, मेरे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हें अपने ठंडे पैर लगा दूंगा। नहीं नहीं, अगर ठंडे पैर नहीं लगा तुमने, अब अपने ठंडे पैर दूर रख, मेरे करीब ना लगे अपने ठंडे पैर। अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हजरात, आज की ताजा खबर है, एक अफराद ने मुल्तान में 10 लोगों को ठंडे पांव से लूट लिया। तो क्या मतलब हो सकता है? एक बंदा आया और उसने कहा मैं आपको ठंडे पांव लगा दूंगा, मुझे अपने सारे पैसे दे दो। ना उसके पास कोई बंदूक थी और ना उसके पास कुछ और था, सिर्फ उसके पास अपने ठंडे पांव थे और उसने अपने ठंडे पांव से उसको लुटा दिया। और मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, मुल्तान में मैंने अपने ठंडे ठंडे ठार पांव से 10 अफराद को लूट लिया, उसमें 10 मोबाइल और 10 वॉलेट शामिल थे, जिसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपए थे। जी बाबा जी। अहमद, पानी गर्म करने तुमने रखा था? ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। हो गया पानी गर्म? उबलना काम, वो तो उड़ भी गया, साथ पतीला भी जल गया। किया? सर्दियों के इस ठंडे मौसम में छोटी सी चोटें भी जानलेवा साबित हो सकती हैं, इसलिए ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए बनाई गई है। आप सर्दियों में अपने मुकम्मल एहतियात कीजिएगा। ये हैं जीशान, इनका कहना है कि ये सर्दी के लिए नहीं बने, या सर्दी इनके लिए नहीं बनी, ये सर्दी में नहीं रह सकते, तो आए हम इनकी जिंदगी के कुछ उदास पहलुओं पर नजर डालते हैं। इनका कहना है कि ये सुबह अंधेरे में उठते हैं और बहुत ठंड होती है, फिर ये सुबह सुबह वॉशरूम जाते हैं, वहाँ ज़्यादा ठंड होती है। इनका कहना है सुबह की सर्दी में पानी ही नहीं आता, जो आता है वो ठंडा आता है। आज एक दिन में इन्होंने 10 बार गाड़ी ठोकी है। इनका कहना है कि धुंध की वजह से कुछ नज़र नहीं आता। जीशान अब इस ठंडी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, उन्होंने सर्दी में रहने से इनकार कर दिया। एक दिन पाँव की छोटी उंगली टेबल में लग गई और ठंड की वजह से उंगली अलग हो गई, दर्द की शिद्दत उनसे बर्दाश्त ना हुई और अब वो यहाँ पड़े रहते हैं। किस तरह लूटा अभी जानिए। उस बंदे ने अपने ठंडे पांव लगाकर उनको कहा कि मैं अपने ठंडे पांव लगा दूंगा। यार आपने नहीं करना तो ना करो। वाला बेचारा नहीं।